लगी है और झटपट बनने वाला साउथ इंडियन डिश लेमन राइस। ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती है और नाश्ते में किसी भी टाइम, लंच में भी, यहाँ के लोग तो लंच में भी वो खाते हैं। तेल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, एक चम्मच के डाला है। तेल गर्म होने देंगे, मूँगफली डाल देते हैं थोड़ा, बस इतने से थोड़ा रोस्ट करते हैं। रोस्ट करेंगे अच्छा से। मूँगफली डालने से थोड़ा टेस्ट आता है, लेमन राइस में डालते हैं इसलिए इसको डालेंगे। ये मूँगफली रोस्ट करते हैं ना, ऐसे कच्चा कच्चापन चले जाता है इसलिए इसको रोस्ट करना पड़ता है थोड़ा। ये मेरे मूँगफली रोस्ट हो रही है, थोड़ा ब्राउन ब्राउन दिखेंगे। देखो कच्चा वाला अलग दिखता ना, कच्चा कच्चा। ये देखो वेट रोस्ट हो रही है तो थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, ज़्यादा काला नहीं कर। देखो हो गई मेरे मूँगफली रोस्ट, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसमें भी रख सकते हैं, मैं निकाल रही हूँ। और अब डालूंगी मैं थोड़ा सा प्याज, बिना प्याज के भी बना सकते हैं। प्याज डालूंगी, सरसों दाना और चना दाल। ये सरसों का दाना है और ये चना दाल है। चना दाल भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डालती हूँ क्योंकि मुझे एक ही किले बनाने ही है लेमन राइस इसलिए। और मैंने ये दो नींबू का रस निकाला है। और देखो कितना टेस्टी होता है लेमन राइस। और इसमें मैं करी पत्ता डाल देती हूँ ऊपर से, ये मेरे गार्डन के फ्रेश करी पत्ता है, बहुत बहुत अच्छी खुशबू। आप भी करी पत्ता का सेवन करो। देखो कड़ी पत्ता डाल दिया है इसमें, गैस थोड़ा कम करती हूँ। और डालूंगी हल्दी, नमक और मिर्ची। ये हल्दी डाली है, ये धनिया पाउडर थोड़ा थोड़ा, ये मिर्ची थोड़ा, और ये मैं नमक डालती हूँ, ये भी मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छा से चलाऊंगी। देखो अब मैं इसमें मूँगफली और डाल देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें चावल डालती हूँ अपने। चावल अपने कितना बनाना है उतना डालना है, तो मैं ये ज़्यादा नहीं, एक किले बनाऊंगी तो। अरे ये आप दिन में बनाए तो शाम के चावल, और रात को चावल बनाए तो सुबह बनाओ। ताज़े चावल, बासी चावल से ये बहुत टेस्टी होता है। ये बना दे, देखो एक किले बहुत है, बन गए। इन्हें अच्छा से मैं मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं डालती हूँ ये नींबू का रस, दो नींबू का रस है ये, और बहुत टेस्टी लगता है ये। टिफिन में भी बच्चों को दे सकते हैं। ये लेमन राइस तो बहुत जल्दी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 मिनट थोड़ा रखूँगी, ये देखो कितना अच्छा बन गया है। अब हम इसे प्लेट करते हैं खाने के लिए गर्मा गर्म। ये देखो कितना अच्छा सा मेरा लेमन राइस बन गया है, और मैं इंजॉय करती हूँ अपना नाश्ता। और इसमें मैंने डाल दी हरी मिर्ची, ये देखो हरी मिर्ची। और खाइए गरम गरम लेमन राइस।